गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ साइंस। तो साइंस में आज का हमारा टॉपिक है एयर। एयर मीन्स होता है हवा। एयर एंड वाटर आर द नेचुरल रिसोर्स ऑफ एनवायरनमेंट। हवा और पानी पर्यावरण के प्राकृतिक संसाधन हैं। एयर इज ऑल अराउंड अस। हवा क्या है? हमारी चारों ओर है। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड एयर टू लिव। मनुष्य, जानवर और पेड़ पौधे सभी को हवा की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। वी कैन नॉट सी बट कैन फील इट। हम लोग हवा को देख नहीं सकते मगर उसे महसूस कर सकते हैं। यूजेज ऑफ एयर। इट इज़ यूज फॉर फ्लाइंग काइट्स। पतंग उड़ाने में भी हवा की ज़रूरत होती है। इट इज़ फिल्ड अ बलून्स। बलून्स और स्विमिंग ट्यूब्स को फिल करने में भी एयर की ज़रूरत होती है। इट हेल्प्स टू ड्राई क्लॉथ्स। ये कपड़े सुखाने में भी मदद करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर। वाटर मीन्स होता है पानी। वाटर इज एन एसेंशियल रिसोर्स। पानी एक आवश्यक साधन है। वी नीड वाटर टू लिव एंड ग्रो। एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव एंड ग्रो। हम सभी को, इनफैक्ट जानवर और पेड़ पौधे सभी को जिंदा रहने और बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। पानी क्या है? इसका मेन सोर्स है। बरसात क्या है? इसका मेन सोर्स है। पानी का मेन सोर्स है बरसात। पानी कहाँ से मिलता है हमें? बरसात से। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे आप लोग अच्छे से लर्न कीजिए और समझिए। Thank you.